नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त चंद्रकांत हाजिर एक नए वीडियो के साथ। स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज का वीडियो उन सभी दोस्तों के लिए जो SBI का CSP चलाते हैं, उन सभी के लिए वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ पासबुक प्रिंटिंग मशीन के बारे में। दोस्तों, मुझे अभी तक SBI की तरफ से पासबुक प्रिंटिंग मशीन नहीं मिली है, लेकिन दोस्तों अभी 2-3 दिन के बाद मुझे पासबुक प्रिंटिंग मशीन मिलने वाले है और मेरे सेंटर पर वो आने वाले है। तो पूरी बात इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे किस तरह से मैंने एप्लीकेशन किया था और किस तरह से मुझे वो मशीन मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो करते हैं शुरुआत। शुरुआत करने से पहले करता हूँ आपसे गुजारिश कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए और साइड वाली घंटी को दबा दीजिए। जिन्होंने किया उसका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की तरफ। चलिए मैं ब्राउज़र ओपन करता हूँ। दोस्तों, ये जो आप मेल देख रहे हो, SBI पासबुक प्रिंटर रिक्वेस्ट, ये मेल हमारे BC की तरफ से हमें भेजा गया। इसमें बताया दोस्तों कि आपको पासबुक प्रिंटिंग मशीन चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो PO पेमेंट एंड डिक्लेरेशन फॉर्म है इसे भर के हमें सेंड करना पड़ेगा। तो किस तरह से हम देख लीजिए, यहाँ पे हमें डेट डालना पड़ेगा और ये मशीन का पेमेंट जो हमें 100% देना पड़ेगा, पहले मशीन आने से पहले देना पड़ेगा। और मशीन का जो मॉडल है हमें आपको पता होगा PLQ22CS, ये मॉडल है इनका। और इनकी जो प्रिंटिंग मशीन की वारंटी है 5 ईयर वारंटी है। यहाँ आपका पैन नंबर, GST आपके पास होगा तो डाल सकते हो, नहीं तो छोड़ दे सकते हो। इसके बाद आपका कॉन्टैक्ट, आपका नाम, मोबाइल नंबर, बिलिंग एड्रेस, डिलीवरी एड्रेस और यहाँ पर आपका CSP नेम, फुल एड्रेस विथ पिन कोड, मोबाइल नंबर, QR कोड और यहाँ पे कुछ डिक्लेरेशन फॉर्म है नीचे में। यहाँ पे आपके डेट डाल देना है, यहाँ पे आपका नाम रहेगा, एड्रेस रहेगा, CSP कोड रहेगा, आपका नाम और सिग्नेचर रहेगा और डेट और आपका स्टैम्प लगवा के ये पूरा प्रिंट कर लेना है भरने के बाद और स्कैन करके हमें मेल करना था और मैंने कर भी दिया था, ठीक है। और ये मेल दोस्तों मुझे 14 मार्च को आया था। इसके बाद दोस्तों हमें हमारे BC की तरफ से एक मेल किया गया है, ये वाला मेल है, इसे मैं ओपन करता हूँ। ये मेल मुझे 9 अगस्त को आया है। इसमें बताया कि आपको कुछ पेमेंट पे करना पड़ेगा और आपकी जो पासबुक प्रिंटिंग मशीन सर्विस है इनेबल कर दी जाएगी, ठीक है। ये वाला जो मॉडल है PLQ22CS, इनका पेमेंट करना 36,658 रुपये का पेमेंट करना है, 5 ईयर वारंटी रहेगी और पेमेंट हमें 100% एडवांस में करना है। और पेमेंट किसको करना है, ये कुछ पार्टनर डिटेल दिया है, परफेक्ट कंप्यूटर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, इनको पेमेंट करना है। इनका अकाउंट नंबर, IFSC कोड सब दिया है यहाँ पे, इनको हमें पेमेंट करना है और किस तरह से मशीन को इंस्टॉलेशन करना है ये भी यहाँ पे दिया है। ये जो परफेक्ट कंप्यूटर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड को पेमेंट हमें करना है, इनका नंबर भी हमें दिया है, इसको कॉल करना है और नीचे में पेमेंट डिटेल दिया है, इनका अकाउंट नंबर, IFSC कोड सब दिया है। पेमेंट करने के बाद ये जो परफेक्ट कंप्यूटर सॉल्यूशन है यहाँ में मशीन भेज दी जाएंगी, 2-4 दिन के भीतर हमारी मशीन हमारे सेंटर पे आ जाएंगी। इनको मैंने कॉल भी किया था, उनको पूछा था कि सर हमें एक मेल किया गया है हमारे BC की तरफ से, हम SBI CSP बात कर रहे हैं, सर हमें मशीन लेना आपकी तरफ से। तो उन्होंने बताया कि आपको अकाउंट नंबर आया होगा, उस अकाउंट पर पेमेंट कर लीजिए और यहाँ पर देख लीजिए इनका अकाउंट नंबर नीचे में मैं शो नहीं कर रहा हूँ, आप पेमेंट भेज दीजिए। पेमेंट भेजने के बाद हम आपकी मशीन 3-4 दिन के भीतर आपके सेंटर पे पहुंचा देंगे, उनको मुझे अच्छी तरह से बताया। जैसे आप पेमेंट करते हो, पेमेंट करने के बाद आपकी डिटेल आप हमें व्हाट्सअप करिए, ठीक है। तो दोस्तों उनसे मैं बात किया, उनके से बात करने के बाद और मैंने BC से ही बात किया, उन्होंने बताया कि आप उनसे डिस्कस कर लें, उसके बाद आप उनको पेमेंट कर लिए और मशीन आने के बाद आप जिस तरह से बताया उसी तरह से सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कीजिए, इंस्टॉल करने के बाद आप जो सर्विस है वो वर्किंग हो जाएगी। तो ये कुछ जानकारी मुझे बताना था दोस्तों। तो आपको भी अभी तक पासबुक प्रिंटिंग मशीन नहीं मिली है, सो आप अपने BC से बात कर सकते हो। कितना जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 36,698 रुपीज़, ये पैसे हमें रिटर्न मिलने वाले SBI की तरफ से। ये पैसे हमें कैसे मिलेंगे दोस्तों, हर महीने हमारे कमीशन में 610 रुपये ऐड होकर आएंगे, ऐसा सर्कुलर में बताया गया था। हमारे जो स्टार्टिंग में सर्कुलर आया था पासबुक प्रिंटिंग मशीन का, उसमें बताया था कि आपका जो मशीन का पैसा है 610 रुपये 60 महीना में मिलेंगे, ठीक है। तो पैसा हमें रिटर्न मिलेगा, लेकिन बहुत कम पैसा मिल रहा है और शुरुआत में इतनी बड़ी अमाउंट हमको पे करना है, ठीक है। तो दोस्तों
अभी मशीन मुझे 2 दिन हो गए ईमेल आया हुआ और मैंने बात भी किया तो मशीन मुझे पेमेंट करने के बाद 2-3 दिन के भीतर मैं मशीन मुझे मिलने वाले, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि लॉकडाउन के बीच में इतना सारा अमाउंट मुझे पे करने थोड़ा मैं सोच रहा हूँ। तो पेमेंट तो मुझे मैं करूँगा ही क्योंकि मशीन काम करना है तो मशीन खरीदना पड़ेगा, क्योंकि हमें CSP के ऊपर निर्भर है तो हमें मशीन लेना पड़ेगा। तो दोस्तों आपने मशीन परचेस किया होगा किसी भाई ने तो मुझे कमेंट में बताएं कि आपको 610 रुपये मिल रहे हैं हर महीने, और साथ में ये बताएं कमीशन भी आ रहा है क्या, और मशीन किस तरह से वर्क कर रही है और कैसे यूज़ हो रही है, सारी मुझे थोड़ा कुछ आपकी जानकारी और आपकी राय मुझे कमेंट में ज़रूर दीजिए। और आपको मशीन अभी तक नहीं मिली है तो अपने बिजनेस से बात करिए, मशीन आपको ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।